हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेकोपीडिया के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा कि कैसे आप जियो टीवी को अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता होगा कि जियो टीवी को हम मोबाइल में यूज़ करके लाइव चैनल्स देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग 800 के आसपास चैनल्स हैं जियो टीवी में और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप देख सकते हो इसको लैपटॉप में और इन्जॉय कर सकते हो लाइव चैनल्स का माल। और ये देखिए, सिर्फ एक ऐप के लिए नहीं है, इस ट्रिक को फॉलो करके, इस मेथड को फॉलो करके आप कोई भी ऐप जो प्ले स्टोर में है उसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों के लिए जियो टीवी का ऐप लेने वाला हूँ और आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो 98-99% लोग वीडियो देखते हैं रेगुलरली लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़, ऐसे वीडियोज़ बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ी और ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ मोटिवेशन का काम कीजिए और वीडियो को ऐसे ही देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो का जो भी हमारा मकसद था बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन फैले, उनको मिल पाए। हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है बोट स्मार्ट वॉचेस का, तो उसको भी पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा क्योंकि उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का नाम है ब्लू स्टैक फास्ट एंड्रॉयड एमुलेटर। ये एंड्रॉयड ऐप्स को पीसी में चलाने के लिए बेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारे यही होगा कि इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसका ये लेटेस्ट वर्ज़न है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। हो गया, इसका सेटअप डाउनलोड हो गया। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया। ये परमिशन मांगेगा, आपको इसको ग्रांट कर देनी है। ठीक है, वेरीफाइड है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इनके कितने लोगों ने इन्हें बैक करके रखा है। तो अच्छी कंपनी है ये ब्लू स्टैक, बहुत नामी है, बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पे, और ये 394 MB का है। ये सारा कुछ अपना डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब एंड्रॉयड ऐप्स को अपने पीसी में या लैपटॉप में चलाना अगर आप चाहते हो तो ये उसके लिए एम्युलेटर होता है। ये उन ऐप्स को आपके पीसी और लैपटॉप में चलाने में आपकी मदद करता है। तो ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया ऐप साबित होता है। ठीक है, तो ये बस होने ही वाला है। दो पैकेज फाइल में आता है, एक 300 MB का कुछ और एक 70 MB का। एक्सट्रैक्टिंग चालू है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये 50% से भी लेस रैम को यूज़ करता है अब। मतलब पहले जितना भी यूज़ करता था अब उससे और 50% कम यूज़ करता है। 500 मिलियन प्लस गेमर्स इसको यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। ओवर 1 बिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके ऑलरेडी। सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है, मतलब क्योंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ब्लू स्टैक 4 से 50% कम रैम ही यूज़ करता है। तो आप देख सकते हो इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये केवल, मतलब ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि आप इसको, ठीक है, तो करना क्या है, हमको जाना है प्ले स्टोर पे। ठीक है, मोबाइल वाली पूरी फीलिंग देता है। जाएंगे हम प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे ओके, साइन इन करना पड़ेगा। सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा, तो आपकी जो भी आईडी होगी उससे आप साइन इन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने आईडी पासवर्ड दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अभी वेरीफाई हो जाएगा।
और आपका अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करा होगा तो ये आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे चला जाएगा, और यहाँ पे आपको मोबाइल पे अपने यस करना होगा तो फिर यहाँ पे इसको एक्सेस मिल जाएगी यहाँ खुलने की। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करके आप इसको आगे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपका अकाउंट इन्फो ले रहा है और ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप जाओगे प्ले स्टोर में, आपको सर्च करना है। ठीक है, आपने सर्च किया और यहाँ से आप करोगे इंस्टॉल। 14 MB का है और बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ब्लूस्टैक के अंदर में ही रहेगा, तो जब भी आपको इसको खोलना होगा ब्लूस्टैक खोल के और इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको आपको पूरा खोल के दिखा भी देता हूँ। इंस्टॉल हो रही है और इंस्टॉल होने के बाद ये ओपन करेंगे हम इसको। पहले लैंडस्केप मोड में आएगा और नेक्स्ट ओके। और ये मोबाइल पे जो OTP आएगा आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे आपका ये ऐप खुल जाएगा। ठीक है, पहले आपको ऐसा लग रहा होगा ये मोबाइल टाइप में खुला हुआ है और ऐसे कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप ऐप को खोल लोगे ना, उसके बाद ये ऐप आपका बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ जाएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और चैनल देखना है तो आप इधर से इसको माउस से नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें देखना है अगर आज तक, ठीक है, तो आज तक में हम ऐसे देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम ये मोबाइल वाली फीलिंग देता है और फ्री में आपको लगभग 822 चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी देख सकते हो, यहाँ से आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और आप कोई भी चैनल यहाँ पे आराम से देख पाओगे। सोनी का 10.3 अगर आपको देखना है, यहाँ पे रॉ आ रहा है, तो वो भी आप बड़े आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका पास्ट 7 days के लाइव शोज़ भी आपको ये दिखाता है। ठीक, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, ये था वीडियो में, और JioTV कैसे आप एक्सेस कर सकते हो ये भी मैंने दिखा दिया। इस पर आप लोग को मैंने उस वीडियो में बताया है, और अभी बता देता हूँ कि आप लोग जो भी ऐप्स को रखोगे वो ब्लू स्टैक में रहेगा। ठीक है, वो आपके मतलब होम स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो आपको ब्लू स्टैक खोलोगे, ब्लू स्टैक में आपको ऐप्स का सेक्शन मिलेगा। आपके जो पर्सनल ऐप्स हैं जिनको आपने इंस्टॉल कर रखा है, वो ऐप्स एक जगह पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, पबजी तो खैर है भी नहीं, जो भी आप ऐप चाहते हो अपने लैपटॉप में एक्सेस करना, बड़े आसानी से आप यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो इतना भेदभाव चल रहा है सब्सक्राइबर्स और अनसब्सक्राइब वालों के बीच में, वो भेदभाव कम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम करिए। ठीक है, 50% भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, लेकिन 98 और 12 ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।